उत्तराखंड में कल होने वाले शक्ति परीक्षण से पहले पूर्व मुख्यमंत्री रावत स्टिंग मामले में सीबीआई के सामने आज होंगे पेश। नैनीताल उच्च न्यायालय भी कांग्रेस के 9 बाकी विधायकों पर आज सुनाएगा फैसला। राज्यों को अपने मेडिकल कॉलेजों में खुद की राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा कराने की अनुमति को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केरल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आज तमिलनाडु में जबकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी केरल में चुनावी सभाएं। दोनों राज्यों में 16 मई को होना है विधानसभा का चुनाव। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टी एस ठाकुर ने जज जनसंख्या अनुपात पर चिंता जताते हुए कहा है कि बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से लंबित मामलों के निपटारे के लिए अभी हमें 70,000 जजों की जरूरत हो सकती है। उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ कुंभ में आज चल रहा है दूसरा शाही स्नान। मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं और अखाड़ों के स्नान के लिए बढ़ाया वक्त। चुनाव आयोग को निर्देश में कहा गया है कि जिन मतदान केंद्रों पर महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहां महिलाओं को चुनाव ड्यूटी पर न लगाया जाए। अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में सीबीआई आज आईडीएस इन्फोटेक के एमडी प्रताप के अग्रवाल, एरो मैट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण बख्शी और पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से पूछताछ करेगी। संसद के मौजूदा सत्र के तीसरे और अंतिम सप्ताह के पहले दिन लोकसभा में वर्ष 2016-17 के उत्तराखंड बजट पर चर्चा होगी। राज्य में अभी तक राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने की पहल के तहत दक्षिण एशियाई क्षेत्र के 8 देशों का 4th मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से दिल्ली में शुरू हो रहा है।